नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 19वीं क्लास है। दशमलव भिन्न का पार्ट तीसरा है। दो पार्ट का अध्ययन हमने कर लिया है। देखो, एक तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट छह का वर्ग प्लस पॉइंट सात का वर्ग प्लस पॉइंट आठ का वर्ग और नीचे पॉइंट जीरो छह का वर्ग प्लस पॉइंट जीरो सात का वर्ग प्लस पॉइंट जीरो आठ का वर्ग। देखो, ये राजस्थान पटवारी में क्वेश्चन आया था। यदि हम पॉइंट छह को ए मान लेते हैं तो पॉइंट जीरो छह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बटा दस। देखो, यहां एक अंक छोड़कर दशमलव है, यहां दो अंक छोड़कर, यानी कि एक अंक अधिक हो गया और एक दशमलव राइट साइड में, दशमलव से राइट साइड में एक अंक अधिक है तो अपॉन दस आता है, दो अंक अधिक है तो सो आता है। उसी तरह यदि पॉइंट सात को मैं ए मानता हूं तो पॉइंट जीरो सात क्या हो गया? ए सॉरी बी मानता हूं तो ये क्या हो गया? बी बटा दस। यदि पॉइंट आठ को सी मानता हूं तो पॉइंट जीरो आठ क्या हो गया? सी बटा दस। अब देखो, ई मान पुट कर दो बस, इसको हमने ए मान रखा है, ये हो गया ए स्क्वेयर, ये हो गया बी स्क्वेयर और ये हो गया सी स्क्वेयर। यहां देखो, ये हो गया ए बटा दस की स्क्वेयर, ठीक है, यहां क्या हो गया? बी बटा दस की स्क्वेयर और यहां क्या हो गया? सी बटा दस की स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देखो, ऊपर तो एज इट इज है, वो ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर और जमा सी स्क्वेयर। नीचे देखो, ए स्क्वेयर बटा सो प्लस बी स्क्वेयर बटा सो प्लस और सी स्क्वेयर बटा सो। अब सो आ गया हमारे पास एलसीएम, ये सो कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा, सो दोरा बटा में ऊपर जाएगा, तो ये सो तो ऊपर गया, ठीक है, एलसीएम तो, और ये सेम है, कैंसिल हो गया, तो इसके आंसर क्या जाएंगे फिर? सो। ये बात ध्यान रखनी है कि यदि नीचे एक अंक अधिक पर दशमलव हो तो इसका मतलब 10 अधिक हो गया, तो आंसर रहेगा हमेशा 100, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 10 का वर्ग 100। यदि यहां दो अंक अधिक पे कर दूं मैं ऐसे, तो दो अंक, यानी कि दो अंक अधिक का मतलब है कि नीचे 100 और 100 का जब वर्ग करोगे तो एक का वर्ग एक और दो जीरो के हो गई 4 जीरो। तो यदि दो अंक अधिक पर दशमलव है तो 10,000 आंसर, और यदि एक अंक अधिक पर दशमलव है तो 100 आंसर। बाकी सिस्टमेटिक ढंग से आप ऐसे कर, देखो 11.98 गुणा 11.98, ठीक है, प्लस 11.98 और मल्टीप्लाई एक्स प्लस 0.2 गुणा 0.2। इसमें हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहां एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ यदि यह एक पूर्ण वर्ग है, यदि यह पूर्ण वर्ग है। देखो, पूर्ण वर्ग कब होता है? मेरी बात सुनो, पूर्ण वर्ग कब होता है? जब या तो a जमा b का वर्ग है या फिर a माइनस b का वर्ग है। अब देखो, a जमा b का वर्ग होता है a स्क्वेयर जमा b स्क्वेयर और प्लस 2ab, और a माइनस b का होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और माइनस 2ab। देखो, अब यहां ये ए स्क्वेयर हो गया, ये बिल्कुल ए स्क्वेयर हो गया, ये हो गया जमा 2ab हो गया, क्यों? क्योंकि ये यहां हो गया जमा बी स्क्वेयर, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर और जमा 2ab, तो इसका मान 2ab होना चाहिए, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ए स्क्वेयर हमारे पास बी स्क्वेयर है तो 2ab, यानी कि ये एक्स के साथ या तो ए को गुणा किया जाएगा 2ab, यहां ए है हमारे पास तो एक्स का मान हो गया 2b, यदि यहां b का मान b होता है एक्स के साथ, ठीक है, तो ये होता है 2a। अब यहां जो x का मान निकालना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2ab चाहिए हमें, लेकिन a तो है हमारे पास, a तो है, x की जगह क्या लिखेंगे? 2b, और b का मान क्या है? 0.2, तो x की वैल्यू आ गई 0.4। यदि x की जगह 0.4 लिखोगे तो ये 2ab हो जाएगा पूरा, a तो है ही ऑलरेडी, एक तो b नहीं हमारे पास, रही दो नहीं हमारे पास, बस। देखो, एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है, 4137 भाग में
1.75, ठीक है, ये बराबर हमें दे रखे हैं 2364, ये तो ऑलरेडी दे रखे हैं। अब कह रहा है कि 41.37 और भाग में 17.5, इसका मान क्या है? देखो ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है, इसको बड़े आराम से समझाऊंगा तुम्हें कि जब इसमें इसका भाग देते हैं तो ये आता है। अब इसका मान निकालना है तो पहले तो इसको सोल्व करो, सोल्व करो मतलब पहले ये जो डेसिमल है इसको कैंसिल करो, 1.75 ये बराबर 2364 हमें दिया गया है, ये तो कंडीशन है जो दी गई है, ये भाग का मतलब अपॉन होता है। अब सबसे पहले दशमलव कैंसिल करो, यहां राइट की तरफ दो अंक है तो ऊपर दो जीरो आएगी, ये दो जीरो आएगी, ठीक है, इसका मान ये है, ये दिया गया है, ये हमने कहीं कुछ नहीं किया, केवल दशमलव कैंसिल किया है, मान इसका निकालना है। अब इसके दशमलव कैंसिल करोगे तो ये बताओ, यहां दो अंक छोड़कर दशमलव है तो दशमलव हटाने के बाद नीचे दो जीरो आएंगे, यहां राइट की तरफ एक अंक है तो इसका दशमलव हटेगा ऊपर एक जीरो जाएगी। मोटी बात यह है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब हमें 4137 अपॉन 1750 आया, 175 को 10 से गुणा करते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि इसका यह मान पुट करने के लिए इसको इस रूप में बनाना है। देखो यहां ऊपर दो जीरो है, यहां ऊपर है नहीं, यहां नीचे एक जीरो है, तो ऐसा करो कि ऊपर दो जीरो भी आए और नीचे वाले जीरो कैंसिल हो जाए। तो इन क्वेश्चनों में या तो ऊपर नीचे हमें 100-100 से गुणा करना है या ऊपर नीचे हमें 1000-1000 से या 10-10 से, रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसको ये रूप बनाने के लिए हमें ऊपर और नीचे 1000 से गुणा करना है, नीचे 1000 का ही भाग देना है, ताकि एक जीरो कैंसिल हो गई और ऊपर कितनी जीरो बन गई, दो जीरो, तो ये एज इट इज बन गया, ये और ये सेम हो गया। अब इसकी जगह इसका जो मान बराबर है ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे 2364 और नीचे क्या हमारे पास 1000, ये 1000। अब तीन जीरो है तो 1, 2, 3 और दैट इज आंसर। तो पहले दशमलव हटाना है, फिर दशमलव हटाने के बाद जो भी मान दिया गया है इसको इस रूप में बनाना है, तो या तो 1000-1000 से गुणा करके बनेगा या 100-100 से या 10-10 से, और जिससे गुणा करेंगे उसी से भाग देंगे, तो ये मान बराबर हो गया, क्योंकि 1000 से गुणा कर देंगे तो क्यों कर दी, अब 1000 का ही भाग दीजिए, इसका मतलब ये दोनों मान बराबर है, ये कट के एक से आ गया, करो ची मत करो, तो ये सुविधा के लिए हमें इस रूप में बनता है। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 148 × 74 ये बराबर हमें दे रखा है 10952, ठीक है, ये दिया गया, हमें निकालना है 0.10952 और भाग में 14.8, भाग में 14.8, भाग का मतलब मैंने पहले अपॉन कर दिया, इसका मान बताना है। सबसे पहला काम है दशमलव हटाना, ये मान दे रखे है तो ये मान पुट करना है, क्या देखो ऊपर दशमलव आगे 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 5 जीरो आएंगे तो इसके ऊपर एक जीरो जाएगी क्योंकि एक अंक है, तो नीचे इसका मतलब 4 जीरो बच गई हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हमने दशमलव खत्म कर दिया, इसकी 5 जीरो नीचे ले आओगे, इसकी एक जीरो ऊपर आएगी, एक जीरो कैंसिल होती 4 जीरो बच जाएगी। अब इसका मान चूंकि दिया गया है, इसका मान दिया गया है 148 × 74 अपॉन नीचे 148 है और गुणा में है 10000 यानी कि 4, 148 कैंसिल, 4 जीरो का मतलब 1, 2, 3, 4 दैट इज आंसर।